सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना। सेवा संकल्प का संबल, जन विश्वास का आत्मबल, असाधारण चुनौती में दिखाया अदम्य साहस। कैसी भी स्थिति आएगी तो कोरोना की जंग में हम लोग विजय हो, आप सबके सहयोग से, पूरे प्रदेशवासियों के सहयोग से ये तैयारी हमने कर ली है। प्रदेश के गौरव गहलोत को शुभकामनाएं। राजस्थान के अशोक स्तंभ। नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। अशोक गहलोत को जनता का बेहिसाब प्यार मिला है, इसके पीछे वजह है उनका त्याग, समर्पण और सेवा भाव। प्रदेश के लोगों के दुख दर्द को शिद्दत से महसूस करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आम जन से जब भी मिलते हैं तो आत्मीयता उनकी आंखों में झलकती है। यही वजह है कि प्रदेश के लोगों ने तीसरी बार उनके हाथों में मरुधरा की बागडोर सौंपी है। इतना ही नहीं, जब भी उनकी पार्टी किसी मुश्किल में फंसती है तो गहलोत सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। लोगों का दुख दूर करने के लिए काम करने वाले अशोक गहलोत का अंदाज लोगों को काफी पसंद है और इसी वजह से वो विरोधियों के भी पसंदीदा हैं। उनके जन्मदिन पर देखिए फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश, राजस्थान के अशोक स्तंभ। सेवा संकल्प का संबल, जन विश्वास का आत्मबल, असाधारण चुनौती में दिखाया अदम्य साहस। कैसी भी स्थिति आएगी तो कोरोना की जंग में हम लोग विजय हो, आप सबके सहयोग से, पूरे प्रदेशवासियों के सहयोग से ये तैयारी हमने कर ली है। प्रदेश के गौरव गहलोत को शुभकामनाएं। राजस्थान के अशोक स्तंभ। किसी भी नेता की परीक्षा तब होती है जब उनका राज्य संकट में हो, जनता त्राहिमाम कर रही हो और बड़ी उम्मीदों से अपने नेता की ओर देख रही है। ऐसा ही संकट जब देश पर आया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न सिर्फ प्रदेश को बचाया बल्कि देश को भी वायरस के चक्रव्यूह से निकालने का रास्ता सुझाया है और बन गए महानायक। जब देश पर आई सदी की सबसे बड़ी विपदा, जब हिंदुस्तान के दिल में घर कर गई एक दहशत, भारत की रगों में दौड़ने लगा चाइनीज वायरस, तब सामने आए सबसे बड़े संकट मोचक अशोक गहलोत। दिया सबसे बड़ी विपत्ति का सबसे बड़ा समाधान, देश को दिखाया लॉकडाउन का रास्ता। इसी रास्ते पर चले देश के प्रधान, बच गई करोड़ों जान। असाधारण चुनौती से टकरा गया अदम्य साहस। कोरोना काल के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे गहलोत। सेवा संकल्प का संबल, जन विश्वास का आत्मबल। मरुधरा के महानायक के मुरीद हुए मोदी। मुख्यमंत्रियों से वीसी में की अशोक गहलोत की तारीफ। कोरोना काल में साबित हुआ महानायक हैं राजस्थान के गांधी। अपने प्यारे नेता के जन्मदिन पर मरुधरा बोली,
हैप्पी बर्थडे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। राजस्थान की राजनीति के जादूगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जन्मदिन है और छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेताओं ने शुभकामनाएं दे रहे हैं। हर कोई उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहा है। यूं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना पूरा जीवन ही जन सेवा को समर्पित किया है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों को नहीं भूले। दोस्ती हो या रिश्तेदारी, उन्होंने हमेशा ही पूरी शिद्दत से निभाई है। गहलोत के जन्मदिन पर उनके गृह जिले जोधपुर में मित्र दुआएं कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे जवाहर सुराणा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रिश्ते निभाने की परंपरा को जोधपुर में हर कोई आज भी उदाहरण के तौर पर देखता है। छात्र राजनीति से दोनों का ऐसा आत्मीय रिश्ता कायम हुआ कि जब जवाहर सुराणा दुनिया छोड़ गए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने सारे कामकाज छोड़कर उनकी अंतिम यात्रा में पहुंचे। यही नहीं, जवाहर सुराणा के दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद भी गहलोत बराबर सुराणा के परिवार को जाकर संभालना नहीं भूले। मुख्यमंत्री के अनन्य मित्र रहे जवाहर सुराणा के पुत्र ललित सुराणा का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अत्यंत संवेदनशील होने के साथ साथ जनता के हित को प्राथमिकता देते आए हैं। अकाल से लेकर आज कोरोना के हालात तक जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसी को भूखे नहीं सोने दिया, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे जनता के प्रति कितने संवेदनशील हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मैं जवाहर जी सुराणा का पुत्र हूं, जिनका कि बचपन से अशोक जी गहलोत के साथ संबंध रहा है, छात्र राजनीति में उनका संबंध रहा है और जब अशोक जी राजनीति में प्रवेश किया तब भी पापा का उनके साथ संबंध रहा है। तो मैंने तो बचपन से ही अशोक जी को गहलोत की जो भावना थी जनता के प्रति, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए और हर एक के प्रति वो संवेदनशील रहे, ऐसी भावना हमेशा उनकी रही है। चाहे अकाल का समय हो, चाहे अभी कोरोना का समय देख लीजिए, उन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्ति को भूखा सोने का नहीं दिया है और यही कामना करता हूं कि वो दीर्घायु हो, भगवान उनको 100 साल की उम्र दे और इसी तरह वो जनता की सेवा करते रहें। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनको कोरोना में नंबर वन का सर्टिफिकेट दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये राजस्थान की इसी तरह सेवा करते रहेंगे और मैं उनके दीर्घायु होने की बहुत कामना करता हूं। कभी जोधपुर के थिएटरों में रंगकर्मी के रूप में अपनी पहचान कायम करने वाले रमेश बोराणा को जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनेपन और सानिध्य से नवाजा है, उसे कोई नहीं भूल सकता। राजस्थान के कलाकारों के विकास को ध्यान में रखकर रमेश बोराणा को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही बनाया था और बोराणा ने उनकी सोच के अनुरूप कलाकारों के विकास में जो योगदान दिया वो किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस पर रमेश बोराणा ने शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की और कोरोना जैसी घड़ी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगातार घंटों काम करने के साथ साथ जनता के प्रति जो समर्पण भाव उन्होंने दिखाया है उसकी तारीफ की। हमारे राजस्थान के यशस्वी और सेवाभावी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का 70वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं और शुभकामनाओं के साथ मना रहे हैं, इनकी भावनाओं के साथ मना रहे हैं कि राजस्थान जल्द ही कोरोना मुक्त हो, आम आदमी सुख की सांस ले, राजस्थान का विकास उनके नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़े। साथियों, हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पिछले 3 महीनों से इस कोरोना के संकट से राजस्थान को बचाने के लिए जिस तरह से लगे हुए हैं और उन्होंने वो कमाल कर दिखाया है कि राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जी के नेतृत्व अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से इस बीमारी को लेकर लड़ा जा रहा है, राजस्थान उसमें सबसे आगे है। व्यापक तरीके से टेस्ट किए जा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स खोले गए हैं, वेलनेस सेंटर्स खोले गए हैं, अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा की व्यवस्था की गई है और लॉकडाउन के दौरान जो लोग कमजोर हैं, पीड़ित हैं, असहाय हैं, निराश्रित हैं, उनके लिए खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। करोड़ों लोगों को रोज खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है, ये मामूली बात नहीं, ये अशोक गहलोत जी का संकल्प है और ये अशोक गहलोत जी की प्रवृत्ति में है कि वो चुनौतियों का मुकाबला करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है, लेकिन अगर किसी को रिश्ते निभाना सीखना हो तो वो अशोक गहलोत से सीखे। गहलोत हमेशा पार्टी से उठकर रिश्ते निभाते हैं और 36 कौम के लोगों से जो आत्मीय रिश्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोड़ रखा है, उसी के चलते उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं मिल रही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जन्म दिवस है
और ऐसे में जोधपुर के लोगों को याद आती है उनकी मित्रता निभाने की आदत, या फिर याद आते हैं रिश्ते निभाने का तरीका। जी हाँ, यहाँ चाहे उनके बचपन के मित्र रहे हो जवाहर सुराना, पूरे जीवन भर उनके साथ रिश्ता ऐसे निभाया जैसे कि कृष्ण सुदामा का। यही नहीं, रमेश पुराना की बात करें, छोटे से कार्यकर्ता को उठाकर सीधा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष बना दिया। आज भी कई तरह के दायित्व वो निभाते हैं। केवल बात इन दो की नहीं है, कई ऐसे छोटे से कार्यकर्ता हैं जिनको आज भी मान सम्मान देते हैं, उनके घर जाते हैं। इसलिए कांग्रेस के वटवृक्ष को तो अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर फैलाया ही, लेकिन यहाँ लोगों से जो आत्मीयता रही है, उनके जो रिश्ते रहे हैं, इस वजह से आज जन्मदिवस पर उनको जननायक को शुभकामनाएं देते नहीं थक रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, जोधपुर की सियासी रवायत ही ऐसी है कि एक दूसरे के सुख दुख में सभी एक तरफ खड़े हो जाते हैं। हर साल भाजपा नेता गहलोत को बधाइयां देते हैं और इस बार भी भाजपा के पूर्व विधायक कैलाश भंसाली से लेकर विधायक सूर्यकांता व्यास ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। ये मुख्यमंत्री के सौम्य व्यवहार और स्वच्छ राजनीति का ही नतीजा है कि विरोधी भी उनके मुरीद रहते हैं। विपरीत विचारधाराओं के दल से आने के बाद भी अन्य दलों में उनकी छवि एक मिलनसार व्यक्तित्व की है। जब जब उनका जन्मदिन आता है तो प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के कई नेता उन्हें बधाई देते हैं। भाजपा के पूर्व विधायक कैलाश भंसाली कहते हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत और वो गांधी अध्ययन केंद्र में अखबार साथ साथ पढ़ा करते थे, तब से उनसे आत्मीय रिश्ता है। उनकी साफ सुथरी छवि है। उनके जन्म दिवस पर उनको दीर्घायु होने की कामना करता हूं और विश्वास है कि देश की सेवा अपनी चिरपरिचित गांधीवादी छवि के रूप में वे करते रहेंगे। भंसाली का कहना है कि प्रदेश में उनका दिया गया योगदान अविस्मरणीय है, काम के प्रति उनका लगाव है। यही वजह है कि जोधपुर में उन्होंने कई बड़े बड़े शिक्षण संस्थान दिए हैं। अशोक गहलोत एक साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने प्रांत की जो सेवा की है वो अविस्मरणीय है। विशेषकर जोधपुर से साथ उनका बहुत लगाव रहा है एम्स लाने में और IIT लाने में और फैशन डिजाइनिंग कोर्स को अनेक ऐसे जन सेवा का काम किए। मैं वो चिरायु हूँ, उनका परिवार समद हो और देश की सेवा गांधीवादी नेता के कारण सूरसागर क्षेत्र के विधायक सूर्यकांता व्यास ने बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके जन्म दिवस पर आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे मुझसे छोटे हैं और मैं उनसे बड़ी हूँ, ऐसे में मेरा आशीर्वाद उन पर बनता है। उन्होंने कहा कि वे जिस तरह काम कर रहे हैं उसकी सराहना के लिए मेरे पास शब्द नहीं। वे दीर्घायु हों और खूब मेहनत करें तथा आगे बढ़ें। सूर्यकांता व्यास ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कभी उनकी कोई बात नहीं टाली, हर वाजिब और सही काम बिना एक सेकंड लगाए किया है। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं किस पार्टी से हूँ। कामना दे रही हूँ तो मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। उनकी आयु खूब हो, वो तंदुरुस्त रहे और अपने काम में सफलता प्राप्त करे, मेरा ये आशीर्वाद है उनको, क्योंकि मैं उनसे बहुत बड़ी हूँ। मैं उनको उनके जन्मदिन की खूब सारी बधाई, खूब सारा आशीर्वाद, खूब वो आगे बढ़े और अच्छा काम करे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने मेरी बात को कभी टाली नहीं और हमेशा काम ये नहीं सोचा कि ये BJP की है, कांग्रेस BJP कुछ नहीं देखा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये BJP की है। उन्होंने जो वाजिब काम हुआ और जो सही काम है वो एक सेकंड भी नहीं लगाए और तुरंत काम किया है, इसलिए उनको मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वच्छ राजनीतिक जीवन हमेशा उन्हें विरोधियों से भी जोड़े रखता है। भले ही बड़े से बड़े भाजपा के नेता राजनीतिक मंच से कुछ भी कहते हों, लेकिन उनके जन्म दिवस पर हमेशा भाजपा नेता आगे आकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। इस बार भी भाजपा नेताओं द्वारा गहलोत के जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दिए जाना भले ही चर्चा का केंद्र हो, लेकिन शुभकामनाएं देने के साथ भाजपा नेताओं के द्वारा उनके विकास कार्यों का उल्लेख किया जाना बड़ी बात हो जाती है। जोधपुर के विकास की इबारत लिखनी हो या फिर पानी से लेकर ट्रेन लाने की बात हो, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान लाने हो या फिर विकास के लिहाज से जोधपुर को एक विकसित महानगर के रूप में देखना हो, यही नहीं, राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाते हुए विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना हो,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमेशा इसे अपना फर्ज समझा है और जब जब भी मुख्यमंत्री बने हैं तब तक खुद को एक ट्रस्टी समझा है। यही वजह है कि यहाँ की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। खास बात तो तब हो जाती है कि विरोधी भी उनकी तारीफ के कसीदे गढ़ते नहीं थकते, और ये पहली बार नहीं है। हर बार विरोधी अंतर्मन से प्यार करते हैं, मगर जन्मदिन उसके मौके पर तो अंतर्मन से वो बात जुबा पर भी आ जाती है। स्वर्गीय हेमंत ललवानी के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। हमारी ये खास पेशकश आगे भी जारी रहेगी, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। सेवा संकल्प का संबल, जन विश्वास का आत्मबल, असाधारण चुनौती में दिखाया अदम्य साहस। कैसी भी स्थिति आएगी तो कोरोना की जंग में हम लोग विजय हो, आप सबके सहयोग से, पूरे प्रदेश वासियों के सहयोग से ये तैयारी हमने कर ली है। प्रदेश के गौरव गहलोत को शुभकामनाएं। राजस्थान के अशोक स्तंभ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, ब्रेक के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए वैसे तो पूरा राजस्थान ही परिवार है, लेकिन उनका अपने परिवार से भी विशेष लगाव है। परिवार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सबसे ज्यादा लगाव है तो वो है अपनी बड़ी बहन विमला देवी से। राखी के त्योहार पर उनसे राखी बंधवाना या फिर भाई पंचमी को उनसे तिलक लगवा कर रक्षा सूत्र बंधवाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी नहीं भूलते। मुख्यमंत्री गहलोत के जन्मदिवस पर उनकी बहन विमला देवी, भांजे जसवंत सिंह से। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिवस है। हालांकि हालात विकट है, फिर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब तक अपना जन्मदिवस अत्यंत ही सादगी से मनाते आए हैं। इस वक्त हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस परिवार के साथ हैं जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। खासतौर पर उनकी बहन की बात करें, विमला देवी लगातार उनको जो आशीर्वाद दे रही हैं, उनके परिवार के अगर सदस्यों की बात करें हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। जरा उनसे बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है, क्या कहेंगे, कैसे आशीर्वाद देंगे आप? आशीर्वाद रोज मत हमेशा ही मैं का आशीर्वाद रहो और संतुष्ट अच्छी रहो तो काम अच्छी से रहे, कर सको आपकी यही इच्छा ये काम करने की, तो बाकी वो तो मनना तो नहीं है। जन्मदिन तो कभी क्या मना है जन्मदिन, बाकी परिवार और जनता ज्यादा ही मनाती है भाई उनकी बर्थडे की। मुख्यमंत्री जी हमेशा आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे आशीर्वाद के रूप में? मैं तो यही आशीर्वाद हूँ भाई, तंदुरुस्त अच्छी रहे और लंबी उम्र रहे भगवान, ताकि ये जनता का काम आप करते रहे अच्छी तरह। तो आप देख सकते हैं कि दीर्घायु होने के साथ साथ जनता के काम करने की बात कही है। आप परिवार की सदस्य हैं, आज अशोक जी का जन्मदिन है, क्या किस तरह से आप शुभकामनाएं देती हैं, कैसे वो शख्स हैं इतने सालों से आपने उनको देखा है? वो एक महान शख्स है, अभी हाल ही में उनकी मोदी जी ने ही तारीफ की थी तो तारीफ के लायक ही है, और अभी कोरोना के चक्कर में वो पूरे राजस्थान की क्या पूरे हिंदुस्तान को भी साथ लेके उसकी सेवा कर रहे हैं लोगों से, और अपना जन्मदिन तो हमेशा सादगीपूर्ण मनाते हैं और जनता की सेवा। अब हम लोगों का और सपोर्ट रहे तो सोचे कि उनको हिम्मत मिले और उनके हाथ मजबूत हो। तो आप देख सकते हैं कि यही जो बात उन्होंने कही है। इस वक्त उनके भांजे जसवंत सिंह कछुए मरसन से जरा बात करते हैं जी, किस तरीके से देखते हैं आप इतने साल, 11 साल का ही आप दोनों के बीच में अंतर है, आप 11 साल छोटे हैं, क्या अनुभव आपने देखे, आप जन्मदिन पर क्या कहेंगे? जन्मदिन तो आज तक भी मैंने कभी उनको मनाते हुए नहीं देखा, कभी मनाते भी नहीं है वो जन्मदिन, और ये ज़रूर है कि जब से वे सांसद चुने गए, जिस किसी भी पद पर रहे, तो समर्थक हैं, आम जनता है, शुभचिंतक हैं, वो ज़रूर अपनी भावना प्रकट करने उनके पास भी जाते हैं, फूलमालाओं भी भेंट करते हैं, पर वो कभी जन्मदिन नहीं मनाते हैं। बिल्कुल उनका जो सादा जीवन, उच्च विचार कहना चाहिए, वही रहा है आज तक। कोरोना के इस दौर में किस रूप में लेते हैं उनकी जो भूमिका रही है, कहते हैं कि सबसे बड़े योद्धा के रूप में, क्योंकि सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उन्होंने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया है। आपने देखा होगा सबसे पहले पूरे देश में, राजस्थान में लॉकडाउन लागू किया गया, और इसको एक उन्होंने चुनौती के रूप में लेके, और जिस तरह से भी दिन रात इसमें लगे हुए हैं, इस चुनौती का मुकाबला करने में
निश्चित रूप से हमें लगता है कि कोरोना से युद्ध वो जीतेंगे। मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आपको उम्मीद है, किस तरह की आशा आपको है जिससे कि प्रदेश से कोरोना चला जाए, लोग स्वस्थ रहें? हम तो यही आशा करते हैं जिस तरह वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत सफल हो। कोरोना के विरुद्ध जो उन्होंने अभियान चलाया है, राजस्थान की जनता स्वस्थ रहे, यही उनकी चिंता रहती है। हमें भी लगता है कि जब वे इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो वे अपने मकसद में कामयाब हो। तो देख सकते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, शुरू से लेकर अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना जन्मदिवस नहीं मनाते हैं, अत्यंत सादगी रखते हैं, जो आते हैं बड़े से मुस्करा के, कंधे पर हाथ फेर के, और हमेशा प्यार स्नेह से मिलते हैं। स्वर्गीय वाल सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।